रहे हैं PTNI न्यूज चैनल। बड़ी खबर हम आपको जनपद अमरोहा के गजरोला से बता रहे हैं। गजरोला में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल का फूल मालाएं पहनाकर किया जोरदार स्वागत। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के कोतवाली क्षेत्र गजरोला के नेशनल हाईवे 24 पर निकट प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल का समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल लखनऊ से MLC चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए मेरठ जा रहे थे। इसी बीच गजरोला में नेशनल हाईवे 24 पर निकट प्रथमा बैंक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने उनका फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार किसान विरोधी, जन विरोधी और युवा विरोधी सरकार है, जिससे जनता परेशान हो चुकी है। आने वाला समय समाजवादी पार्टी का है। इस अवसर पर अरविंद कसाना, जिला महासचिव पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ, पूर्व जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह यादव, फारूक अली सैफी सपा नेता, फैयाज अली, सचिन यादव, सुमित कुमार, खलील अहमद विधानसभा सचिव, डॉक्टर रजा सैफी, इश्तियाक मलिक, परवीन यादव, सुमित कुमार जाटव, वार्ड सभासद हरजीत सिंह, कामिल मंसूरी और मास्टर अख्तर हुसैन, जिला सचिव आदि लोग उपस्थित रहे। रिपोर्ट फारूक अली, PTNI न्यूज ब्यूरो, जनपद अमरोहा, उत्तर प्रदेश। जी, इस चुनाव की तैयारी के लिए सभी जिलों के पार्टी के कार्यकर्ताओं से समीक्षा के लिए हम घूम रहे हैं और सबसे अनुरोध कर रहे हैं कि शिक्षकों को सरकार ने बहुत ही परेशान किया है। वित्तहीन शिक्षकों को एक भी पैसा सरकार ने नहीं दिया, जिससे वो भुखमरी के कगार पर है, वित्तहीन शिक्षक। और शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार कुछ दिया नहीं जा रहा है, जिससे शिक्षित बेरोजगारों की फौज बढ़ती जा रही है। इस प्रदेश के अंदर कानून नाम की कोई चीज नहीं है। जनता सुरक्षित है, हर व्यक्ति असुरक्षित है, हर वर्ग असुरक्षित है। किसानों को उनकी फसल का मूल्य नहीं दिया जा रहा। अगर वो फसल का मूल्य मांगते हैं तो उन पर लाठी चलाई जाती है, मुकदमे लगाए जाते हैं और पूरी तरीके से समाज में बड़ी अफरा तफरी है। भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज हैं। भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजी, सबूतबाजी के अलावा कोई काम नहीं करती। जैसे कि इस वक्त भारतीय किसान यूनियन का जो है जगह जगह धरना प्रदर्शन चल रहा है, किसानों के हित में आवाज उठाने के लिए, किसानों की मांगे पूरी कराने के लिए। किसान, भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता दिल्ली जाने की जिद पर अड़े हुए हैं और उनको जगह जगह रोका जा रहा है। इसके बारे में आपके क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे? भारत सरकार किसानों के साथ बहुत अन्याय कर रही है, चाहे उत्तर प्रदेश के किसान हो, हरियाणा के किसान हो, पंजाब के किसान हो, राजस्थान के किसान हो। किसानों के सामने बहुत बड़ी समस्या है। भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ शोषण कर रही है, अन्याय कर रही है। उनको लागत मूल्य नहीं मिल रहा। उनको लाभकारी मूल्य देने की बात की थी, लेकिन किसानों को लागत मूल्य नहीं मिल रहा। आप पता कर लीजिए, धान का अभी समय धान है, धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1865 है, लेकिन 1000 रुपये में 900 रुपये में धान बेचने पर मजबूर है। गन्ना किसानों का 14,000 करोड़ रुपए बकाया है। अगर किसान अपनी फसल का मूल्य मांगता है तो वो कौन सा गुनाह करता है? भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है, गरीब विरोधी है, मजदूर विरोधी है, पत्रकार विरोधी है, व्यापारी विरोधी है। ऐसी सरकार को निश्चित रूप से उखाड़ फेंक देना। ये जो जिहाद कानून पास हुआ है, हमारा जिहाद बेरोजगारी से है, हमारा जिहाद महंगाई से है, हमारा जिहाद उत्तर प्रदेश के किसानों की समस्याओं को लेकर है। इसी जिहाद को आप लोग आगे बढ़ाइए। अच्छा, जैसे कि अध्यक्ष जी, अभी उपचुनाव में जो है पार्टी को बहुत कम वोटों से जो है कहीं कहीं हार मिली है। अब जैसा कि सन 2022 में विधानसभा का चुनाव भी नजदीक ही आने वाला है, तो इसमें जो है आपके पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी किस तरह से कार्य कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है सन 2022 में आप किस तरह से काम करेंगे और क्या करके आएंगे? 2022 में समाजवादी पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के समर्थक मिल करके भारतीय जनता पार्टी को हर बूथ में हराएंगे। समाजवादी पार्टी बूथ स्तर पर अपने संगठन को दुरुस्त कर रही है। ओके, धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत।